प्रदेश में अनलॉक 1.0 के दूसरे दिन सभी राजकीय संग्रहालय और स्मारकों पर पर्यटकों की आवाजाही शुरू कर दी गई। जयपुर में भी पर्यटन स्थल हवा महल, आमेर, अल्बर्ट हॉल, म्यूजियम जंतर मंतर समेत सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की एंट्री शुरू कर दी गई। पहले और दूसरे सप्ताह में पर्यटकों की एंट्री निःशुल्क रखी गई है। पर्यटन स्थल सप्ताह में 4 दिन खुलेंगे। हालांकि पर्यटन स्थलों पर इक्का दुक्का ही देशी पर्यटक पहुंचे और इस दौरान हवा महल जंतर मंतर का जायजा लिया हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। निर्देश अनुसार आज से पर्यटकों के लिए स्मारक ओपन है और इसमें आज सुबह से जो टूरिस्ट आए उनके लिए हमने थर्मल स्कैनिंग की गई है और उसके बाद उनको सैनिटाइजर किया करवाया गया है और हमारे द्वारा सोडियम का जो छिड़काव है वो भी किया गया है। यहाँ पर पर्यटकों के लिए पूरी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी जो पर्यटकों का रुझान है हमारे यहाँ अभी आज का, उसमें लगभग 19 पर्यटक तो हमारे यहाँ के जो लोकल हैं, दो पर्यटक पूना के हैं, बाकी के जयपुर के ही हैं और 4 पर्यटक आपके विदेशी आए हैं। लॉकडाउन का जो है 5वां चरण का दूसरा दिन है तो दूसरे दिन राजस्थान के सभी पर्यटन स्थल है जहां पर पर्यटकों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। आज मंगलवार है तो पर्यटकों की आवाजाही शुरू की गई है। कल 1 जून से हालांकि पर्यटन स्थल खोल दिए गए थे लेकिन पर्यटकों की आवाजाही है वो आज ही शुरू हुई है। अभी हम हवा महल खड़े हैं, आप देख सकते हैं कुछ स्थानीय पर्यटक है जो इक्का दुक्का पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। किस तरीके से सेफ्टी रखी जा रही है आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर एंट्री होगी तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सुरक्षाकर्मी तैनात है वो यहाँ पर हाथ सैनिटाइज करवा रही है ताकि संक्रमण का किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहे। इसके बाद जो कि सरकार ने गाइडलाइन में कहा था कि थर्मल स्कैनिंग की जाएगी तो थर्मल स्कैनिंग के बाद ही यहाँ पर अंदर आने दिया जा रहा है। इस तरीके से पूरी तरीके से सेफ्टी रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर आ रहा है देखने के लिए उनको बकायदा स्कैनिंग और मास्क के साथ ही प्रवेश दिया जा रहा है। वो पूरी जानकारी भी ये साथ में दी जा रही है ताकि ये संक्रमण किसी प्रकार का खतरा नहीं। आप देख सकते हैं रिसेप्शन पर भी कर्मचारी पूरी तरीके से मास्क में है अंदर आने दिया जा रहा है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि सेफ्टी इसमें बहुत जरूरी है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। और भी कई कारण है जो यहाँ पर इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बेहद जरूरी है। तो आप देख सकते हैं ये लोकल स्थानीय जो देखने के लिए पहुंचे हैं लोग, क्योंकि आज निशुल्क रखा गया प्रवेश, 2 सप्ताह तक ये निशुल्क रहेगा, सप्ताह में 4 दिन खुलेगा। हमारे साथ हवा महल के अधीक्षक हैं सरोज मैम, बताएं किस तरीके से व्यवस्था की गई है और क्या आज पहला दिन है, कितने लोग पहुँचे हैं? आज हमने सुबह 9 बजे ये हवा महल खुला है, पर्यटकों की गेट पे ही वो थर्मल स्कैनर से चेक किया जा रहा है और सैनिटाइजर से हाथ धुलाए जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए उनको बताया जा रहा है। और एंट्रेंस गेट पे ही हमने एक बोर्ड लगा रखा है कि अंदर धूम्रपान निषेध है, दूरी बनाए रखेंगे, राज्य सरकार की गाइडलाइंस का सारा पालन करवाया जा रहा है। और अभी तक कम से कम 30 टूरिस्ट आ चुके हैं, करीब 20 के संख्या में यहाँ पर स्थानीय पर्यटक भी पहुँचे हैं। हालांकि विदेशी सैलानी आने में अभी समय लगेगा क्योंकि अभी संक्रमण का खतरा है तो केवल स्थानीय पर्यटक ही पहुँच रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि पर्यटन विभाग ने जो पहल की है उसमें लोग भी अब कोरोना के डर से जो बाहर निकलकर घूमने के लिए आ रहे हैं क्योंकि लंबा वक्त बीता लॉकडाउन का जिसमें लोग इस दौरान घरों में रहे, घूमने के लिए समय नहीं मिला। गर्मी की छुट्टियाँ इस बार सीजन था वो भी एक पर्यटकों के लिए जो है सीजन लॉकडाउन में बीत गया, तो अब लोग जो खुले हैं तो लोग आने लगे हैं। अंदर की तरफ चले तो अंदर भी दिखाना चाहें तो अब आपको लिए चलते हैं इस हवा महल परिसर के अंदर की तरफ। हवा महल के अंदर की बात की जाए तो कुछ स्थानीय पर्यटक है जो यहाँ पर देखने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि कोरोना है तो पर्यटक कम पहुंचे हैं, पहला दिन है, सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखा है। प्रथम 2 सप्ताह में 4 दिन खुलेंगे जिसमें पर्यटकों की आवाजाही निःशुल्क है। कुछ लड़कियां भी पहुंची हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताएं किस तरीके से आज पहला दिन है, सरकार लॉकडाउन के अंदर बंद थे आप तो देखने के लिए पहुंचे, कोरोना का क्या कहना चाहेंगे? हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, घर में रहकर बोर हो गए थे इसलिए हम हवा महल घूम रहे हैं। और सेफ्टी के साथ कितनी सेफ्टी रखनी पड़ेगी जैसे यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं उसके लिए मास्क लगाना, जैसे मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, एंड सैनिटाइजर करते रहना चाहिए हाथों को, ऐसे डिस्टेंसिंग बनाए रखनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग है या सरकार की गाइडलाइन है, मास्क है, तमाम इंतजाम है वो कर लेने चाहिए ताकि
किसी भी प्रकार का जो संक्रमण है वो खतरा न फैले, कुछ और भी है उनसे बात करते हैं। बताएं कि आप पहुंचे हैं पहली बार यहाँ पर, आज ही एंट्री दी गई है लॉकडाउन के बाद, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं आज ही आई हूँ यहाँ पे, मैंने कभी ना हवा महल नहीं देखा था, मेरी भी छुट्टियाँ चल रही थी, मैंने सोचा दो दिन छुट्टी करके एक बार हवा महल देख के आऊँगी, जैसे कि कोरोना के लिए भी कुछ जानकारी के लिए भी आई हूँ मैं यहाँ से, जैसे कि हाथों मास्क लगाना चाहिए, हाथों पर सैनिटाइजर ये भी करना चाहिए और दूरी बना के रखनी चाहिए। कोरोना है, कोरोना का संक्रमण है, फिर भी लोग जो है, सरकार ने जो ये स्मारक और पर्यटन स्थल खोले हैं तो वहाँ पर इक्का दुक्का पहुँच रहे हैं, साथ ही उनकी उम्मीद है कि सेफ्टी के साथ अगर व्यक्ति निकलेगा तो जरूर कोरोना से बचा जा सकता है। सरकार की इस मुहिम में जो है पर्यटन स्थल को दोबारा खड़ा करने के लिए जो राज्य सरकार ने आदेश दिया है, तो इसमें जनता भी हालांकि कम पहुंची है लेकिन पहुंच रही है, तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में दोबारा राजस्थान की गुलाबी नगरी का जो पर्यटन उद्योग है वो एक बार पटरी पर लौटेगा। कैमरा पर्सन विजय मिश्रा के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV जयपुर।